YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पिछले काफी समय से दादरी रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास की मांग पूरी न होने पर इनेलो विधायक राजदीप फोगाट ने लाइन पार क्षेत्र के नागरिकों और नगर पार्षदों के साथ मिलकर धरना दिया है। धरने के दौरान रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार और रेलवे पर अंडरपास को लेकर गुमराह करने का आरोप भी लगाया और आमरण अनशन पर ये विधायक बैठ गए हैं। और इसी दौरान विधायक ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अंडरपास निर्माण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो क्षेत्र के नागरिकों के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे। आपको ये भी बता दें कि पिछली सरकारों ने भी अंडरपास बनाने की घोषणा की थी, लेकिन रेलवे अंडरपास बनाने के लिए रेलवे को पैसा नहीं दिया गया था। और जब बीजेपी सरकार ने चरखी दादरी को जिला घोषित किया तो सीएम ने उसी दिन इस अंडरपास को बनाने की घोषणा भी की थी। बावजूद इसके अभी तक अंडरपास का काम जारी नहीं हुआ है। अंडरपास बनाने की मांग को लेकर इनेलो विधायक राजदीप फोगाट के द्वारा एक हफ्ते पहले भी आमरण अनशन शुरू करने का अल्टीमेटम दिया गया था। डीआरएम साहब के पास गया, मंत्री जी से कही, मुख्यमंत्री जी से कही, विधानसभा में कही, यहाँ पे धरना दिया, यहाँ पे प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब ये क्लियर हो गया कि ये नहीं बनाएंगे तो 7 दिन पहले हमने एक फैसला लिया कि भी अगले इतवार तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई तो नज़र आई तो हम अनशन नहीं करेंगे, और नहीं तो अगर ठोस कार्रवाई नज़र नहीं आई या ठोस कार्रवाई उन्होंने नहीं की तो हम अनशन पर बैठेंगे।